हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे डिश वॉशर का रिव्यू। एक्चुअली बहुत टाइम से आप लोगों के मतलब ग्रेजुअली मुझे क्वेश्चंस आए ही जा रहे हैं कि मैं मेरे डिश वॉशर के बारे में आपको बताऊं। तो जैसा मेरा एक्सपीरियंस है बीइंग अ हाउसवाइफ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ मुझे नहीं पता हैं, पर इस डिश वॉशर को लिए मुझे कुछ क्लोज टू 1 ईयर हो चुका है। मतलब 1 ईयर तो नहीं हुआ है, मैंने लास्ट ईयर दिवाली पर ये लिया था, तो अभी काफ़ी वक्त मुझे हो चुका है, इतना कि मैं उसको समझ गई हूँ और मैं आप लोगों को उसके बारे में बता पाऊँ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये कोई ऐड नहीं है। आफ्टर ऑल डिश वॉशर इज़ सच अ बिग थिंग, कोई इसके लिए स्पॉन्सर नहीं करेगा, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आप लोगों में से बहुत लोग जानना चाहते थे कि डिश वॉशर किस तरह काम करता है और मेरा एक्सपीरियंस डिश वॉशर के साथ कैसा है, और तो वही मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। ये टोटली मेरी ओपिनियन है, जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ डिश वॉशर के बारे में, बी इट पॉजिटिव बी इट नेगेटिव, ये टोटली मेरा अपना जो है सोच है। ज़रूरी नहीं है कि वो फैक्ट हो, क्योंकि आफ्टर ऑल डिश वॉशर इज़ अ मशीन, और मशीन उतना ही इफ़ेक्टिवली काम करती है जितना हम ह्यूमन उसको स्मार्टली यूज़ करना चाहें। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा एक्सपीरियंस मेरा रहा है वैसा एक्सपीरियंस और किसी एक्स वाई जेड पर्सन का रहा हो, या जैसा किसी ABC पर्सन का रहा है सेम एक्सपीरियंस मेरा रहा हो। तो मैं जितना अपने डिशवॉशर को समझ पाई हूँ या जितना मैं डिशवॉशर के बारे में इन जनरल समझती हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। बाकी इस वीडियो को बनाने से मेरा मतलब कतई ये नहीं है कि आप डिशवॉशर खरीदिए या मत खरीदिए। इट्स जस्ट दैट कि मैं अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आपको देना चाह रही हूँ, जस्ट बिकॉज यू गाइज वर आस्किंग फॉर इट सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है मेरा डिश वॉशर, ये है बॉश का डिश वॉशर, और इस तरह के डिश वॉशर को कहा जाता है फ्री स्टैंडिंग डिश वॉशर, यानी कि आप इसे कहीं पे भी खड़ा कर सकते हो तो ये वहाँ पे फंक्शन कर पाएगा। मेरी किचन इतनी बड़ी नहीं है कि मैं वहाँ इसको प्लेस कर पाऊँ, तो इसके लिए ये जो मेरा जो फ्लैट है इसमें छोटा सा एक चौकी जैसा है, वॉश एरिया कहा जाता है ऐसे एरियाज़ को, तो वहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। और इसके बाजू में ही मेरा वॉशिंग मशीन रखा हुआ है, तो काइंड ऑफ यूटिलिटी एरिया है ये मेरा। ये देखिए, ये अमेजोन से मैंने ख़रीदा था और इसका प्राइस है कुछ 34,499 रुपीज़, ये भी डिस्काउंटेड प्राइस है, एक्चुअली इसका प्राइस 43,000 रुपीज़ है। तो यहाँ पर ये प्राइस डिस्काउंटेड है, और ये प्राइस हमेशा सेम नहीं रहता है, वेरी करता रहता है। जैसे जब दिवाली वगैरह आती है तो ऑफ़र वगैरह आते हैं, और इसका जो प्राइस हो जाएगा वो फिर एक डिफरेंट प्राइस हो जाएगा। बाय द वे, मैंने जब लिया था तो उस वक्त भी ऑफ़र चल रहा था, जैसे अभी ये मैंने आपको दिखाया 43,000 का है, लेकिन कुछ 35,000 में अमेज़ॉन पर मिल रहा है, तो तब भी ये कुछ 34-35,000 का ही था, लेकिन इसमें एक अगर आप क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करते हो तो एडिशनल डिस्काउंट था, वो भी मुझे मिला था। तो इसका प्राइस मेरे लिए रफली 29,000 रहा था जब मैंने ये ख़रीदा था। तो ये है इसका बॉडी। एक्चुअली ये डिश वॉशर दो तरह के वेरिएंट्स में होता है, एक वाइट बॉडी होता है और एक ये ऐसा सिल्वर कलर का बॉडी होता है, ऐश ग्रे कहते हैं इसे। तो मैंने ऐश ग्रे ऑप्ट किया क्योंकि वाइट बहुत जल्दी गंदा होता है, और जैसे मैंने आपको बताया मेरा ये यूटिलिटी एरिया है, तो मेरी मेड बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोछा का बाल्टी वगैरह लेकर घूमती है, तो काफ़ी स्पॉट्स आ जाते हैं, तो वाइट थोड़ा सा लॉन्ग रन में डल दिखने लगता है। आपको ये थोड़ा ग्रीन टिंटेड लग रहा होगा क्योंकि इसके ऊपर एक ये फिल्म है जो येलो टिंटेड है, ये मैंने अभी तक हटाया नहीं है। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे काफ़ी पानी का काम होता है, मेरा वॉश बेसिन भी यहीं पर है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे अभी छोड़ दिया है। और बाय द वे, ये है साइलेंस, आप देख सकते हैं ये साइलेंस वेरिएंट है। ये है इस डिश वॉशर का कंट्रोल पैनल, आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल एक्सट्रीम राइट से शुरू करती हूँ। यहाँ लिखा है साइलेंस, ये क्वाइट साइलेंट मशीन है, 50 डेसिबल का ये नॉइज़ प्रोड्यूस करती है, विच इज़ लाइक बिल्कुल इक्विवेलेंट टू अ वॉशिंग मशीन, गुड कंडीशन वॉशिंग मशीन। देन यहाँ पे पावर ऑन पावर ऑफ का बटन है, ये एक ही बटन है ऑन एंड ऑफ के लिए,
इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 3 पुश बटन्स हैं ये, वेरियो इको, हाफ लोड एंड एक्स्ट्रा ड्राई। यानी कि वेरियो इको मोड जब आपको पानी बचाना है उस मोड के लिए ये चलता है, हाफ लोड यानी कि जब आपके पास कम बर्तन हैं धोने के लिए, और एक्स्ट्रा ड्राई यानी कि जब आपको बर्तनों को काफ़ी एकदम सूखा निकालना हो उसके लिए। इसके बाद ये है इसका डिस्प्ले पैनल, देखिए ये है डिस्प्ले। इसे जब ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HR यानी कि आवर्स एंड MIN यानी कि मिनट्स। तो जब आप इसको लोड करते हो और आप इनमें से कोई भी साइकिल चूज़ करते हो तो उस साइकिल में कितना वक्त जाने वाला है वो डिटेल्स यहाँ पर फ्लैश होती हैं। तो इसमें 30 मिनट से लेकर 2 आवर तक के आप साइकिल जो है एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर और भी वेरिएंट्स हैं लाइक इंटेंसिव कढ़ाई, स्पार्कल क्लीन, एक्सप्रेस स्पार्कल, ऑटो, इको, क्विक एंड प्री रिंस। तो एक्सटेंसिव कढ़ाई आप तब यूज़ करते हैं जब आपके बर्तन हैवीली सॉइल्ड हैं, यानी कि कढ़ाई पढ़कर ही समझ आ रहा है कि जब हम कढ़ाई वगैरह में खाना बनाते हैं, स्पेशली हमारा इंडियन कुकिंग जो होता है जो बहुत ज़्यादा भूनने और ऑयल से रिलेटेड होता है, तब आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हैवी बर्तन होते हैं, हैवी एज इन हैवीली सॉइल्ड, काफ़ी उस पर चिकनाई वगैरह है, तो उसको अच्छे से साफ़ करना अगर आपने है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। एक्सप्रेस स्पार्कल बेसिकली जब आपको पता है आपका लोड ज़्यादातर स्टील के बर्तनों से भरा हुआ है तो आप ये चुन सकते हैं। देन ऑटो यानी कि मशीन अपने आप अंडरस्टैंड कर लेगी बर्तनों को देखकर कि उसको कौन सा मोड रखना है। देन इको, इको मोड बेसिकली होता है पानी सेव करने के लिए। तो इसमें मैं भी आपको ये खोल कर दिखाऊंगी अंदर से ये कैसा दिखता है। इसमें बेसिकली 2 आर्म्स हैं, ब्लेड्स, तो वहाँ से पानी गिरता है। तो जब इको मोड चूज़ करते हो तो पानी वहाँ से कम कम गिरता है, वो बिल्कुल जैसे झरने काम करते हैं ना, वो काफ़ी सारा पानी तो कम ही होता है लेकिन वो लगता है ज़्यादा, जैसा इसका स्ट्रीम ऐसा ये बना देता है, तो वो होता है इको मोड। क्विक मोड यानी कि जब आपको बर्तन जल्दी से धुल डालने हैं, इट टेक्स 30 मिनट्स। एंड प्री रिंस, प्री रिंस वो ऑप्शन होता है जब आपको लगता है आपके बर्तन बहुत गंदे हैं और उसके ऊपर जो कुछ भी ग्रेवी या ये वो चिपका हुआ है उसको धो देने की ज़रूरत है, तब आप प्री रिंस ऑप्शन ले सकते हो। तब जो मशीन है वो आपके बर्तनों को एक बार प्री रिंस कर देगी। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जब प्री रिंस ऑप्शन चूज़ करते हो तो ये ठंडे पानी का इस्तेमाल करके रफली आपके बर्तनों को धो डालता है, बाकी इस मशीन के अंदर होने वाली हर साइकिल गर्म पानी लेती है। इसके बाद है ये स्टार्ट का बटन। आप इसको थोड़ा सा खोलेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जैसे आपके वॉशिंग मशीन पे भी लिखे होते हैं बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। लाइक आप जैसे याद नहीं रहता है तो आप इसको पढ़कर याद कर सकते हैं कि वेरियो इको अगर आप चुनेंगे तो इसका क्या मतलब है। और यहाँ ये टेम्परेचर भी दिखा रहा है कि किस टेम्परेचर पे आपके बर्तन धुलते हैं। जैसा मैंने आपको बताया हर साइकिल इसमें जो जाती है वो गर्म पानी से बर्तन धोती है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे तो पानी का टेम्परेचर कितना होगा वो पूरा गाइड आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइक आप इंटेंसिव कढ़ाई चुनते हैं तो इट विल बी 70 डिग्री हॉट होगा आपका पानी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको वहाँ किस तरह का प्लास्टिक रखना है भी कि नहीं। और बाकी इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन इस पैनल पे है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं अंदर से ये लुक ऐसा होता है इसका। इसमें 2 रैक होते हैं, एक अपर रैक होता है और एक लोअर रैक होता है। लोअर रैक के नीचे एक आर्म होता है, वो ब्लेड्स अगर आप देख सकते हैं ये वाला, और ऐसा ही आम एक जो अपर रैक है उसके नीचे है, आप देख सकते हैं वो वाला। और इन दोनों ही आर्म्स के ऊपर 3 जो है होल्स हैं, 3 उस तरफ 3 इस तरफ, नीचे वाले के भी और ऊपर वाले को भी 3 उस तरफ 3 इस तरफ, और इनमें से पानी का जो है वो स्ट्रीम निकलता है आपके बर्तनों को धोने के लिए। और ये वाला जो डिश वॉशर है, पर्टिकुलरली ये वाला, मैं सबके बारे में नहीं जानती, ये बेसिकली 12-प्लेस डिश वॉशर है। और जो आप ये ऊपर वाला जो रैक देख रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली हमारे जो छोटे बर्तन होते हैं यानी कि कटोरियाँ, बोल्स, ग्लासेस, कप्स, वो सब आप वहाँ रख सकते हो। और नीचे बेसिकली पॉट्स, पैन्स, कढ़ाई, कुकर और प्लेट्स वगैरह जाते हैं।
और ये मैंने यहाँ रख दिया है। एक्चुअली इसे बोला जाता है कटलरी बास्केट, ये इसके साथ ही आता है। इसको यहाँ पे रखा जाता है, आप इसमें आपके नाइफ्स, फोर्क्स और स्पून्स वगैरह रख सकते हो, छोटे बड़े लेडल्स भी रख सकते हैं, और उसको स्टैंड करके क्लीन करने के ये काम आता है। और इसमें एक वक्त पे काफ़ी सारे स्पून्स एंड फोर्क्स आ जाते हैं। अगर आपके पास इतने ज़्यादा नहीं हैं धोने के लिए तो आप उसको सिंपली यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। यूँ तो ये डिशवॉशर स्मार्ट डिशवॉशर है और इसमें हर तरह के बर्तन धुले जा सकते हैं, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इसमें वुड, सस्ता प्लास्टिक और जो कॉपर वगैरह होता है, ब्रास वगैरह होता है, एंड स्पेशली नॉनस्टिक भी। हालांकि ये नॉनस्टिक फ्रेंडली है, पर मैं अपने नॉनस्टिक बर्तन इसमें नहीं धोती हूँ क्योंकि वो बहुत गर्म पानी से साफ़ करता है। तो मैं इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स, इसलिए मैं अपने नॉनस्टिक को हाथ से ही धो देती हूँ और उससे उसका लाइफ भी बना रहता है। बाकी जो कांच के बर्तन होते हैं ना, आपके मग्स, आपके ग्लासेस, उनके लिए इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। एंड ऑल्सो योर प्लास्टिक्स, जो माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक्स होते हैं ना, वो जितना साफ़ इसमें धुलता है ना, इतना साफ़ कभी किसी चीज़ से नहीं धुलेगा, बिकॉज वो अच्छे से गर्म पानी से धुलता है, एकदम स्क्वीकी क्लीन होता है, चिकनाई बिल्कुल नहीं रहती है जब आप प्लास्टिक्स को डिशवॉशर में साफ करते हैं। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो सॉकेट है, यहाँ पे इस तरह के डिशवॉशर टैबलेट्स रखी जाती हैं, ये इजीली अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं। हालांकि दे रेकमेंड फिनिश, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ लिखा भी है कि बॉश रेकमेंड्स फिनिश, पर फिनिश इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो पॉकेट में आने जैसा है नहीं। अगर आप डिशवॉशर डेली यूज़ करते हैं तो आपको ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ने वाला है, इसलिए मैं पर्सनली क्रिस्टल यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ फिनिश ख़राब है, क्रिस्टल अच्छा है। द ओनली रीज़न इज़ कि मैंने दोनों को ट्राई करके देखा, 100% फिनिश बेटर क्वालिटी देता है, बेटर क्लीनिंग देता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है और मुझे इसका इस्तेमाल रोज़ ही होता है, इसलिए मैं थोड़ा इकोनॉमिकल वेरियंट जो है वो चुनती हूँ। दिस इज़ क्रिस्टल का टैबलेट। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप को डालना होता है रिंसेड डालना ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है जब आपका जो डिशवॉशर है ये पूरी साइकिल कंप्लीट कर देता है, तो इसके हिसाब से जो लास्ट साइकिल जो होता है उसमें ये रिंसेड मिलाकर जो पानी होता है वो बर्तन के ऊपर डालता है। तो इससे क्या होता है, जो पानी है वो बर्तनों के ऊपर से फटाफट छूट जाता है, जिससे कि उन पर वो पानी के जो निशान होते हैं ना, वो लाइनें वाइनें बन जाती हैं, वो नहीं बनता है। और स्टील के बर्तन तो फिर भी चल जाते हैं, लेकिन आपके जो कांच के बर्तन होते हैं ना, उसमें इसका रिजल्ट देखने मिलता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और रिंस एड एक बार डालें तो अच्छा खासा चल जाता है। इसके लिए अलग से डिटर्जेंट भी आता है, आप चाहें तो डिटर्जेंट ले सकते हो, आप चाहें तो इस तरह की टिक्की ले सकते हैं। इसमें एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है रिंस एड, सॉल्ट और डिटर्जेंट का, तो आप चाहें तो इस तरह का एक ले लें, पर अगर आप यह भी एक डालोगे तो भी आपको रिंस एड और सॉल्ट तो अलग से डालना पड़ेगा। और यहाँ आप देख रहे हैं ये जो आर्म्स हैं, इसके नीचे ये है, यहाँ पे गंदगी इकट्ठी होती है, जैसे आपका जो वॉशिंग मशीन है उसके अंदर भी कपड़े धुल जाने के बाद जो गंदगी सी रह जाती है, उसके लिए अलग से एक फ़िल्टर आता है ना, तो ये फ़िल्टर भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको इसे खोल के क्लीन करना पड़ता है। और वो जो साइड में आप देख रहे हैं, आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, वहाँ साइड में एक जो है ये एक कैविटी जैसा है, इस कैविटी पे ये ढक्कन लगाया है, ये ढक्कन खोल के आपको इसके अंदर सॉल्ट भरना पड़ता है। और सॉल्ट भरना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल जो पानी आता है हमारे घरों में वो क्लीन नहीं होता, उसमें हाई सेलिनिटी होती है, तो हाई लेवल्स ऑफ सॉल्ट होते हैं, तो उससे क्या है आपके बर्तन अच्छे से साफ़ नहीं होते, और ज़्यादा सॉल्टी जो पानी होता है हार्ड वाटर, उस पर जो डिटर्जेंट वगैरह होते हैं, क्लीनर्स होते हैं, वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपके पानी को सॉफ्ट करने के लिए आपको उसमें सॉल्ट डालना ही होता है। और एक बार जब आप डिशवॉशर शुरू करते हैं, खरीद कर जब आप शुरू करते हैं, तो उसके पहले ही आपको एक बार इसमें भर देना होता है। और इसके बाद टोटली डिपेंड करता है कि आपके एरिया में पानी किस तरह का आता है, और एक बार में लगभग आधा किलो सॉल्ट उसके अंदर चला जाता है। तो मैं सॉल्ट, रिंसेड और ये टैबलेट्स तीनों ही क्रिस्टल के यूज़ करती हूँ इस वक्त। और हर वॉश के साथ आपको एक टैबलेट तो डालना ही पड़ेगा। तो ये जो डिस्प्ले है ना, इसी पे रीफिल सॉल्ट, रीफिल रिंसेड, इस तरह के जो है नोटिफिकेशन आने लगते हैं अगर वो ख़त्म हो जाता है।
इसको आपने इस तरह रखना होता है, आप इसे बंद कर दीजिए और इसके बाद बर्तन लोड कर दीजिए, इसे बंद कर दीजिए, आप साइकिल शुरू कर दीजिए और बस काम हो जाएगा। तो मैं भी आपको बताऊंगी कि इसमें बर्तन किस तरह रखते हैं और किस तरह की क्लीनिंग होती है। तो डिश वॉशर में धोने के लिए बेसिकली ये एडवाइजेबल है कि आप एक बार आपके बर्तनों को रिंस कर लीजिए। हालांकि उसमें प्री रिंस का ऑप्शन है, लेकिन उससे आपका बस थोड़ा पानी और बिजली ही एक्स्ट्रा जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, हाथ से जिस तरह आप साफ़ कर सकते हो। एक्चुअली वी हैव आईज़, वी हैव ब्रेन, डिश वॉशर इज़ जस्ट अ मशीन। तो जैसा हम कर सकते हैं उससे बेहतर डिश वॉशर नहीं कर सकता है, इसलिए मैं आई एम इन टू हैबिट कि मैं पहले अपने बर्तनों को एक रिंस दे देती हूँ। इट हार्डली टेक्स 2 मिनट्स। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे इस तरह के जो निशान है ना, आप इसको देख सकते हैं, ये प्लेट गंदा है, यहाँ पे जो इस तरह के निशान है डिश वॉशर इसे क्लीन कर देगा। लेकिन इसके जो चारों तरफ, आई होप आप देख पा रहे हो, ये थोड़ा सा सूख गया है, एक सर्कल जैसा बन गया है, ये डिश वॉशर में क्लीन नहीं होगा। इसके ऊपर जितनी भी गंदगी है वो चली जाएगी, नो डाउट। लेकिन ये जो एक सर्कल जैसा आप देख रहे हो, एक इम्प्रेशन जैसा बन गया है, चाय का स्पॉट जैसा, ये डिश वॉशर में क्लीन नहीं होता है, क्योंकि डिश वॉशर जो है स्क्रबिंग नहीं करता। तो आप डिश वॉशर में आपके डिशेज़ रखें उससे पहले आप ये एक बार खुद ही देखकर जो है अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या आपको इस तरह के दाग को स्क्रब करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है स्क्रब करना चाहिए तो आप स्क्रब करके ही रखिए, क्योंकि डिश वॉशर जैसे मैंने कहा इसको बिल्कुल साफ़ तो कर देगा, लेकिन साफ़ होने के बाद भी आपको एक छोटा सा गोला दिखता ही रहेगा, क्योंकि ये सूखा हुआ निशान है। तो सूखे हुए जिस जो भी निशान हैं, टफ स्टेन्स हैं, आई वुड से, मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ, आप उसे थोड़ा सा घस लीजिए तो आपके बर्तन अच्छे साफ़ होकर आएंगे। तो मैं इसको बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा, और ये हो गया, ये निशान डिसअपियर हो गए हैं। अब मैं इसको डिशवॉशर में रख दूँगी। ऐसा नहीं कि मैं इसे पूरा अभी साफ़ करने बैठूँगी, इतने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए डिशवॉशर काफ़ी स्मार्ट होते हैं। लेकिन जैसा मैं अगेन बोल रही हूँ, आपको ऐसे निशान दिखते हैं जो आपको लगे कि ये थोड़े सूखे हैं, जिसको आपके हिसाब से स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है, तो प्लीज़ स्क्रब कीजिए। मैं एक दूसरा आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये दूध का पतीला है, इसे मैं बाद में करूँगी, जस्ट अ मिनट। और यस, जैसे इस तरह के बर्तन होते हैं ना, ये छलनी वगैरह, ये हाथ से कभी भी अच्छे से नहीं धुलते हैं, ये एकदम धोने के लिए मैं बोलूँगी सबसे अच्छे डिशवॉशर में ही धुलते हैं, उसमें गर्म पानी की स्ट्रीम से बर्तन धुलते हैं। तो ये जो इसके छोटे छोटे छेद हैं ना, इसके अंदर जो काला काला जम जाता है, वो सब उसमें बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। तो छलनियाँ, ग्लास के बर्तन, कांच के बर्तन और आपके जो प्लास्टिक है, वो तो बेस्ट धुलते हैं डिशवॉशर में। बाकी जो स्टील वगैरह है, ये भी अच्छा धुलता है, लेकिन वो आप घिस सकते हो हाथ से, तो आप उसे चमका सकते हैं, लेकिन छलनियाँ वगैरह बहुत अच्छे धुलते हैं डिशवॉशर में। तो देखिए, जैसे ये मेरा चाय का बर्तन है, तो ये उसमें अच्छे से धुल जाएगा, लेकिन इस तरह के जो जस्ट अ सेकेंड, आप इसको देखिए और आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे ये लाइन है ना, आप ये लाइन देख रहे हैं, ये एक्चुअली चाय जलने से लाइन बनी है। तो इसको जब हम हाथ से भी धोते हैं तो हमें ये थोड़ा एक्स्ट्रा घिसना पड़ता है, तो आई वुड रिकमेंड इसे घिस कर ही रखिए, क्योंकि ये पूरा साफ़ होकर आएगा, लेकिन ये जो लाइन है ये पूरी तरह हटेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इस तरह के बर्तनों को, मतलब कि इन शॉर्ट जो भी सूखे हुए दाग हैं, जिन्हें आप असर्टेन कर सकते हो कि इसे थोड़ा घिसने की ज़रूरत है, उन्हें प्रेफरेबली थोड़ा सा घिस कर डाल दीजिए, तो आपके जो बर्तन हैं वो बहुत अच्छे साफ़ होकर आएंगे। तो अभी मैं इनको एक क्विक सा रिंस दे देती हूँ, 2 मिनट भी इसको नहीं लगने वाली है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह मैंने इन्हें लोड करना है डिशवॉशर में। तो ये देख सकते हैं अभी आप, इसमें मैंने जो है बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। मेरे पास अभी इतने ही बर्तन थे, पर मैंने फिर भी आपके लिए कोशिश की है कि हर तरह के बर्तनों को रखा जाए। यहाँ है थोड़ा कांच, कुछ प्लास्टिक भी, छलनियाँ मैंने डाली हैं, काफ़ी सारा स्टेनलेस स्टील है, और एक ये सिरेमिक है, एंड देन एक बड़ा सा मैंने दूध का पतीला रखा है, एक चाय का पतीला रखा है, उस चाय के पतीले के पीछे एक कॉपर की लाइनिंग है। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि डिश वॉशर में कॉपर किस तरह बिहेव करता है। ऑल्सो मैंने कहा था आपसे कि मैं नॉनस्टिक नहीं रखती हूँ इसमें, पर ये नॉनस्टिक धोता है, ऐसा नहीं है कि नॉनस्टिक रखना ही नहीं है, इट्स माय चॉइस, मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये बर्तन कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव भी आते हैं और मैं नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी इनको रिप्लेस किया जाए। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि डिश वॉशर उनको ख़राब कर देता है, आई एम जस्ट क्वाइट अ लिटिल मोर
कॉन्शियस अबाउट माई नॉन स्टिक कुकवेयर, तो लेकिन फिर भी मैंने अपना एक नॉन स्टिक तवा रखा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्लीनिंग कैसा होता है। और जहाँ पीछे वो चाय के पतीले वगैरह मैंने रखे हैं वहाँ पे आप और भी आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी जगह है, तो उस हिसाब से आप आपके बर्तनों को एडजस्ट कर सकते हैं। बर्तन रखते हुए सिर्फ आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला तो ये कि सारे बर्तन जो है उल्टे रखे जाएँ। जैसे ये आप मग देख सकते हैं, मग को मैंने उल्टा रखा है क्योंकि पानी नीचे से आएगा और ये तभी धुलेंगे। अगर आप इनको ऐसे सीधा रख दोगे तो नीचे से पानी आएगा तो ये अंदर से ऊपर से नहीं धुल पाएंगे, इसमें पानी ऊपर से नहीं गिरता है। मैंने आपको जो दो आम दिखाए थे ना उन्हीं में से नीचे से पानी निकल निकल के धुलता है, इसलिए आपको सारे बर्तन उल्टे रखने हैं जितने भी पॉसिबल हो सके। और दूसरा, जो बर्तन हल्के होते हैं जैसे कि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक का ढक्कन है, काफ़ी हल्का है, तो इसको आप कोशिश करिए कि अच्छे से फिक्स करके रखा जाए। यहाँ देख रहे हैं आप, इनको खड़े करने के लिए स्टैंड जैसे हैं, तो आप इनमें इनको अच्छे से फिक्स कर लीजिए जिससे कि धुलते वक्त ये हिले नहीं और अच्छे से खड़े रहें फॉर्मली, तो फिर अच्छे से ये धुल पाएंगे। और जैसे जैसे आप डिशवॉशर को यूज़ करने लगेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसके साथ और आप किस तरह से R&D कर सकते हो। ये काफ़ी थोड़े बर्तन हैं क्योंकि मैं आज के बर्तन धो चुकी थी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मेरे बच्चों के टिफ़िन वगैरह वो स्कूल से आए हैं एंड दूध का पतीला वगैरह मैंने खाली किया है और आई ट्राइड कि हर तरह के बर्तन मैं यहाँ रख पाऊँ। इतने गंदे हैं ये बर्तन, शायद आपको लाइट के प्रभाव में वो सब साफ़ ही दिख रहे हैं लेकिन मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, इतने गंदे हैं ये बर्तन। तो अभी देखते हैं ये कैसे निकल कर आते हैं। तो अभी मैं साइकिल शुरू करती हूँ, 1 घंटा 25 मिनट हो जाने के बाद मैं आपसे फिर मिलूँगी और दिखाऊँगी कि ये बर्तन कैसे धुले हैं। तो ये देखिए, इसका जो लाइट है, जो भी डिस्प्ले था वो बंद हो चुका है, इसका मतलब कि जो साइकिल है वो पूरा हो चुका है। तो अब मैं इसको खोलूँगी। एक्चुअली ये साइकिल पूरा हो जाने के बाद मैंने इसे 5-10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम दिया है क्योंकि अगर एकदम से इसको खोल देंगे तो इसके अंदर से फिर बहुत सारा स्टीम निकलता है और बर्तन भी बहुत हॉट होते हैं, तो ऐसे स्टेज पे इसको हाथ लगाना, बर्तनों को हाथ लगाना मतलब अच्छा नहीं है। आप 5-7 मिनट का टाइम ले लें क्योंकि वो थोड़े से गर्म होते हैं, तो अच्छा रहेगा आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए। तो मैं अभी आपको खोल कर दिखाती हूँ कि कैसा रिज़ल्ट रहा, कैसे धुले हैं बर्तन। तो ये देखिए अंदर बर्तन, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे धुले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही वाला प्लेट दिखाती हूँ, ये वाला वो प्लेट था जिसके पीछे बहुत सारे निशान थे दूध के, आप देख सकते हो कोई निशान नहीं है। और शाइन आप देखिए, देन ये दूध का पतीला और ये बहुत गर्म है अभी, और इसको मैंने थोड़ा सा घिस दिया था अंदर से, तो आप देख सकते हो अंदर से इसमें कोई निशान नहीं है। ये ट्रे, ये भी एब्सोल्युटली साफ आया है, मैंने रख के आती हूँ। एंड देन ये नॉन स्टिक, और ये भी एब्सोल्युटली क्लीन है, इसकी जो चिकनाहट वगैरह होती है यहाँ साइड्स में वो पूरा हट चुका है। आप इस तरह के स्पॉट्स देख रहे हो ना, ये सब किसी भी डिशवॉशर में क्लीन नहीं होगा क्योंकि इसके लिए एक्सटेंसिव स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। तो आप इसे अगर इस तरह के दाग हटाना चाहते हो तो आपको जो आयरन वूल होता है ना, स्टील वूल, उससे आपको इसे साफ़ करना होगा। अदरवाइज़ जहाँ तक बात है ग्रीजीनेस की, स्पॉट्स की, वो सब एकदम साफ़ हो चुका है। और इसके बाद मेरा ये चाय का पतीला, ये देखिए ये थोड़ा सा डिसकलर्ड लग रहा है ना, आप देख सकते हो, बस यही रीज़न है कि इसके अंदर जो कॉपर है और ब्रास है वो नहीं रखना चाहिए। बाकी स्टील देखिए कितना अच्छा साफ हुआ है, इसका शाइन आप देखिए। और क्योंकि मैंने इसके चाय के स्पॉट घिस दिए थे तो अब इसमें एक भी निशान नहीं है। ये सारे ही बर्तन बहुत अच्छे साफ़ हुए हैं बिकॉज अब मैं इस मशीन को अंडरस्टैंड कर गई हूँ कैसे ये काम करता है। आपको छलनी दिखाना चाह रही थी, ये देखिए आप देख सकते हैं स्ट्रेनर, इसमें हार्डली कोई ब्लैक स्पॉट्स आपको नज़र आएंगे। यहाँ यहाँ पे छलनी पूरी काली काली भर जाती है ना, यहाँ पर भी ये पूरा एकदम साफ़ धुलता है डिशवॉशर में। ऑल्सो आप वो घी वगैरह बनाते हो ना, तो वो वाले बर्तन भी बहुत अच्छे धुलते हैं डिशवॉशर में, एकदम
क्लीन, सारा जो ग्रीजीनेस होता है घी की वजह से वो सारा एकदम से साफ़ हो जाता है। तो ऑल इन ऑल मैं इस डिशवॉशर से काफ़ी हैप्पी हूँ। देखिए, मशीन स्मार्ट होती है पर उससे ज़्यादा स्मार्ट हम होते हैं। मशीन उतनी ही स्मार्ट होती है जितनी स्मार्टली हम उसे यूज़ करते हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ मशीन, उसको आइज़ नहीं है, उसको ब्रेन नहीं है, उसको एक तरह से डिज़ाइन किया गया है। लेकिन आप वो फंक्शंस को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, मशीन कैसे काम कर रही हो और आपके मशीन में कौन से प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास पानी कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी कितना कैसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स को आप एक बार अंडरस्टैंड कर जाओगे, आपकी मशीन को अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो जैसे वॉशिंग मशीन भी होती है ना, हर कोई वॉशिंग मशीन की धुलाई से खुश नहीं होता, पर वॉशिंग मशीन इंडीड इज़ अ बून, बहुत हेल्पफुल होती है। इतने भारी भारी कपड़े भी आराम से उसमें धुल जाते हैं। तो आप एक बार आपकी मशीन को अंडरस्टैंड कर लोगे, आपके प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड कर लोगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई डिश वॉशर, और जब से ये आया है तो मेरा तो डिपेंडेंसी एकदम ख़त्म हो गया है। ये देखिए प्लास्टिक, काश आप इसको छूकर महसूस कर सकते, बिल्कुल ऑयली नहीं है, ये एकदम साफ़ है। तो बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल रहा है, इन्फॉर्मेटिव था ये आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे एक लाइक दे सकते हो, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।